हेलो फ्रेंड्स, मेरा और आपके चैनल एग्जाम क्रैक पॉइंट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस सेल मेटलर्जी का, जो लास्ट 5 ईयर्स से आया था, यानी जो कुछ मैं ऑलरेडी 10 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ सेल मेटलर्जी का लास्ट 5 ईयर्स को लेकर के, जिसमें मैं मेटलर्जी का पूरा 100% कवर किया हूँ। अगर वो वीडियो 10 पार्ट आप पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा, आपका 100% कवर हो जाएगा सेल मेटलर्जी का टेक्निकल। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो जो कुछ बचा था कॉम्पोजिशन रिलेटेड, जो कि हर बार सेल के एग्जाम में पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन तो कॉमन है, हर बार यही सब कॉम्पोजिशन बार बार पूछा जाता है। तो मैं पिछला वाला जो 10 वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, अगर आप चाहोगे तो वो आप देख सकते हो। वो अगर पूरा देख लोगे आप, तो आपको पूरा 100% सेल टेक्निकल कवर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नॉन फेरस फर्स्ट जो मैं इसमें टेबल बनाया हूँ, नॉन फेरस मेटलर्जी, नॉन फेरस अलॉय को लेकर के हम फर्स्ट टेबल में डिस्कस करेंगे। ब्रास, ब्रोंज, इनकोनल, बैबिट मेटल, मोनल मेटल, ये लगभग मैं देखा हूँ हर सेल का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई तीन, ये 5 में कोई तीन पूछा जाता है हर बार। ठीक है, आपको कैसे करके याद रखना है, अब मैं ट्रिक्स बताऊँगा, ट्रिक्स, ठीक है, ट्रिक्स बताऊँगा। देखिए, ब्रास, मैं जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, ब्रास में और ब्रोंज में काफ़ी सारा स्टूडेंट क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है कॉपर जिंक और कॉपर टिन को लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉपर जिंक में क्या है, जेड है, और ब्रास में ए है। ठीक है, तो ऐसा करके याद रखिएगा, जिसमें ए रहेगा उसमें जेड होगा, क्योंकि ए जे फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, जेड लास्ट अल्फ़ाबेट है। तो ब्रास रहेगा मतलब कॉपर जिंक, ब्रोंज रहेगा, इसमें ऑलरेडी जेड दिया हुआ है तो कॉपर जिंक नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी, ऐसा करके आपको याद रखना है, मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसमें ब्रोंज में ऑलरेडी जेड है मतलब कॉपर जिंक नहीं होगा, तो कॉपर जिंक नहीं होगा तो क्या होगा, कॉपर टिन, इसी में लड़का लोग कन्फ्यूज़ करता है, कॉपर टिन होगा। तो और एक चीज़ फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूँगा, कॉपर जिंक का अलग अलग परसेंट है, जैसे ब्रांस में कॉपर रहता है 60-80% और जिंक रहता है 40-20%, और ब्रोंज में कॉपर रहता है 75-90% और टिन रहता है 25-10%, यानी रेस्ट। तो फ्रेंड्स, आपको इतना लफड़ा करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है कौन कौन सा मेटल रहता है, परसेंटेज कुछ भी हो, आपका ऑप्शन कॉपर जिंक का एक ही रहेगा, इधर कॉपर जिंक रहेगा, नहीं तो कॉपर टिन रहेगा, नहीं तो कॉपर लेड रहेगा, नहीं तो कॉपर निकल रहेगा। तो कॉपर जिंक अगर ब्रास पूछेगा तो कॉपर जिंक को ही आपको टिक करना है, परसेंट कुछ भी हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है अभी तक, कॉपर जिंक का 2 ऑप्शन दिया है जिसमें परसेंटेज जो है कॉपर का अलग अलग कर दिया है, ये कभी भी नहीं हुआ है। मतलब मैं यही आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप, अगर आप परसेंट कॉपर कितना परसेंट रहता है, जिंक कितना परसेंट रहता है, टिन कितना परसेंट रहता है, ये अगर आप नहीं भी याद रखोगे फिर भी चलेगा। बस ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि क्या क्या मेटल रहता है उसमें, ये आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जो परसेंटेज रहता है ये तो एक तो अलॉय नहीं है ना, बहुत सारा अलॉय है, तो सबका परसेंटेज इंडिविजुअली याद रखना काफ़ी हार्ड होता है, और लड़का लोग क्या करता है, काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाता है उसमें, उसमें गड़बड़ी होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अलॉय में जो जो मेटल रहता है बस उसी को आप याद रखिए, और कुछ नहीं याद रखना है, बाकी पूरा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ब्रास, ब्रोंज हो गया, नेक्स्ट पूछा गया इनकोनल, इनकोनल में क्या रहता है, तो देखिए फ्रेंड्स, इनकोनल में निकेल, क्रोमियम, आयरन रहता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम सेल का एग्ज़ाम में, इनकोनल में निकेल, क्रोमियम और आयरन रहेगा। परसेंटेज आपको याद रखना नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इनकोनल में निकेल रहता है, निकेल रहता है नियर अबाउट 80%, क्रोमियम रहता है नियर अबाउट 14%, और रेस्ट आयरन रहता है, यानी हो गया 6%। ठीक है, तो आपको बस निकेल, क्रोमियम और आयरन ही याद रखना है, इन इनकोनल में निकेल, क्रोमियम, आयरन। और नेक्स्ट है बैबिट मेटल, देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐसा करके याद रखना है, BABB है, बैबिट मतलब BABBIT है, डबल बी है, तो जितना सारा पॉसिबल मेटल है उसमें बी किसमें किसमें है, एक हो गया SN में है, एक हो गया PB यानी लेड में है। तो फ्रेंड्स, इसमें बैबिट पूछा गया है, तो इसमें बैबिट पूछा गया है SN SB CU, तो PB यहाँ पर तो लेड तो नहीं होगा, लेड का बहुत कम एलॉयज होता है,
तो आपको याद रखना है, डबल भी है मतलब मेरा ऑप्शन जहाँ पे बी रहेगा उसको मेरे को, और एस दो टो रहेगा वहाँ पर मेरे को टिक करना है, ठीक है। एस एन एस बी सी यू, इसमें बी है, बैडमिंटन में बी है, तो ये वाला हो जाएगा राइट आंसर, एस एन एस बी सी यू। बस क्या क्या मेटल रहता है उसी को याद रखना है, परसेंटेज याद रखने का ज़रूरी नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एस एन रहता है 70 to 90% और एस बी रहता है नियर अबाउट 7 to 24%, रेस्ट कॉपर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मोनल मेटल। मोनल मेटल का ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, मोनल मेटल का फर्स्ट जो है एम है, मतलब भैया इसमें जो है मैंगनीज तो रहेगा ही, दो चीज़ होता है मैंगनीज, एम एम दे के दो बहुत कॉमन धातु होता है, एक हो गया एम जी मैग्नीशियम, एक हो गया एम एन मैंगनीज। तो इसमें एम एन आपको याद रखना है, मोनेल मेटल एम ओ एन है, वो ए ओ का आप माइंड से हटा दीजिए, एम एन मतलब ऑप्शन में जहाँ पर एम एन रहेगा उसका, उसको मेरे को टिक करना है। मैं मतलब ओवरऑल बता रहा हूँ, ठीक है। मोनेल मेटल और जिसमें जितना सारा नॉन फेरस मेटल है ऑलमोस्ट सब में कॉपर रहता है, जिसमें आप देख लीजिए, ब्रास में कॉपर है, ब्रोंज में कॉपर है, बैबेट मेटल में कॉपर है, ओनली इनकोनल में नहीं है, ये एक्सेप्शनल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मोनेल मेटल में तो फिर एम एन एम ओ एन, ओ को आप हटा दीजिए, एम एन हो गया मतलब मैंगनीज हो गया, और कॉपर तो रहता ही है, कॉपर मैंगनीज और कॉपर मैंगनीज जिसमें रहेगा उसको आपको टिक करना है, ठीक है। इसमें क्या क्या रहता है, कॉपर मैंगनीज और निकेल रहता है। तो मान लीजिए ऑप्शन में आपको देगा कॉपर मैंगनीज निकेल, फिर देगा निकेल क्रोमियम एफ ई एस एन एस बी सी यू, ऐसा करके देगा। तो जिसमें कॉपर मैंगनीज रहेगा उसको अगर आप टिक कर दोगे तो वो पूरा 100% हो जाएगा। इसका परसेंटेज मैं बता देता हूँ, आपको याद रखने का ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, जो जो लोग याद रखना चाह रहा है वो लोग रख सकता है, कि मोनेल मेटल में कॉपर परसेंटेज रहता है नियर अबाउट 30% कॉपर रहता है, ठीक है। और मोनेल मेटल में निकल रहता है 67% और रेस्ट रहता है मैंगनीज, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया नॉन फेरस। फेरस फेरस अलावा क्या क्या आता है सेल के एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के, लेकिन बार बार पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इनवार एलॉय काफ़ी बार पूछा जाता है, इनवार एलॉय, क्योंकि इसका एक बहुत बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है, इसका लो एक्सपांशन होता है हीटिंग में, जो थर्मल एक्सपांशन है ये बहुत कम है, नियर अबाउट जीरो है, होता ही नहीं है। इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, पेंडुलम में यूज़ किया जाता है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें एरर बहुत कम आता है, ठीक है। इनवर तो मैं परसेंटेज ब्रैकेट में लिख दिया हूँ, लेकिन आपको सिर्फ परसेंटेज नहीं क्या क्या मेटल रहता है उसी को याद रखना है, ठीक है। तो इनवर में रहता है एफ ई एन आई, आयरन निकेल का एलॉय होता है इनवर, आयरन निकेल मतलब हो गया इनवर, ऐसा करके याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है, पार्म एलॉय, पार्म एलॉय में इसमें भी आयरन और निकेल रहता है, साथ में कार्बन भी रहता है। मैं परसेंटेज दे दिया हूँ, एफ ई रहता है 21%, एन आई रहता है 78%, सी रहता है 1%। ये जनरली एफ ई एन आई बेस्ट एलॉय है, पाम एलॉय, जिसमें आयरन रहता है 21% और निकेल रहता है 78%, और इनवार एलॉय में आयरन रहता है 64%, निकेल रहता है 36%। एच एस एस भी पूछा जाता है काफ़ी बार, मतलब हो गया एच एस एस मतलब हो गया हाई स्पीड स्टील, जिसमें आयरन तो रहता ही नहीं है। टांगस्टन रहता है 18%, सबसे ज़्यादा टांगस्टन रहता है डब्ल्यू, वैनाडियम रहता है 1% और रेस्ट कार्बन रहता है, आयरन रहता ही नहीं है, ये एक्सेप्शनल है, इसीलिए बार बार पूछा जाता है, याद रखना पड़ेगा आपको, दिमाग में बस बैठा लीजिए। और निकेल स्टील में, निकेल स्टील में क्या क्या रहता है, एफ ई आर एन आई, आयरन 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 ज़्यादा रहता है 98% और निकेल जो है 2% रहता है, याद रखिएगा, आयरन 98% निकेल 2%, आयरन बहुत ज़्यादा रहेगा और निकेल ट्रेस अमाउंट रहेगा तो उसको उसको बोला जाएगा निकेल स्टील, और आयरन अगर 64 और 36 निकेल हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा इनवार एलॉय, याद रखिएगा। इसीलिए इसको बार बार पूछा जाता है, क्योंकि लड़का लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है। और नीचे जो है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टील है, सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है, सबसे ज़्यादा बार पूछा भी गया है, स्टेनलेस स्टील का क्या रहता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, निकेल, इसको बोला जाता है निकेल क्रोमियम स्टेनलेस स्टील, जहाँ पे निकेल का परसेंटेज रहता है 8%, क्रोमियम का रहता है 18%, रेस्ट आयरन रहता है, तो इसको 18:8 निकेल क्रोमियम स्टील भी बोला जाता है, स्टेनलेस स्टील भी बोला जाता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेल के एग्जाम के लिए।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना था कि फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं मेटलर्जी का पूरा 100% कवर कर दिया हूँ पूरा, आप जो 10 पार्ट और ये मिसलेनियस यानी टोटल 11 पार्ट हो गया, टोटल 11 पार्ट का वीडियो आप बढ़िया से देख लीजिए। वो अगर पूरा देख लीजिएगा आपका 100% टेक्निकल सिलेबस सेल के लिए कवर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल एग्जाम क्रैक पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपना दोस्त लोगों के साथ, और एग्ज़ाम क्रैक पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो सबसे पहले लेके आता हूँ। आपको अगर नोटिफिकेशन मिलेगा जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो का तो आप अपडेट होते जाओगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।